इटावा थाना क्षेत्र बकेवर के अंतर्गत महासिंहपुर गांव में कुछ दबंगों द्वारा 11 अगस्त को एक दलित युवक के साथ 500 रुपये को लेकर की गई मारपीट के बाद दलित युवक की हालत बिगड़ गई, जिसको लखनऊ में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन मंगलवार को मोहर सिंह की मौत हो गई। जब सब गांव पहुंचा तो परिजनों ने हंगामा काट दिया। इसकी सूचना लगते ही कई थानों की फोर्स, SDM और CO सहित SP ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों को शांत कराया। परिजनों ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। SP ग्रामीण ने न्याय का भरोसा दिलाया है। इटावा से विशाल रावत की रिपोर्ट। बिल्कुल ले जा रहा हूँ। क्या हुआ है, क्या मामला है? मेरे भैया को मारा है उसके। किसने मारा? इस ताला वाले आई है। नाम राजवीर यादव। कब मारा था, क्या हुआ था, पूरी घटना बता। रक्षा बंधन के दिन मारा था। मेरे भैया साइकिल की दुकान कर रहे हैं, तो उसने 500 रुपए उनपे चाहिए थे, तो ये मांगने गए कि हमें 500 रुपए दे दो, मेरी बहनें बिटिया आई हैं, तो हम उनको मान लें करिए करने करते। तो इनने रुपया नहीं देंगे। मेरे भैया ने दो तीन दिन मांगे तो इनने थप्पड़ मार दी। जब वहाँ पे मेरे जीजा थे तो उन्होंने बचाने की कोशिश करी, तो वे जीजा को इधर कैच ले गए, भैया को इधर कैच ले गए और इनने फोन करके बुला लिया, और तब मेरे भैया को धानन में रेत रेत के मारा। वकील है डंडा ले। जो कितने लोगों ने मारा, कितने लोगों ने मारा? 4-5 जने हते, 4-5 जने इधर लगे थे, 4-5 जने इधर लगे थे। जीजा को भैया को दोनों को मारा। मेरे भाई जीजा बचाने गए तो जीजा को भी मारा है और भैया को तो फिर खुल ही मार। ये डेथ कब हुई, कहाँ गए थे, क्या हुआ? ये भैया यही दुकान पे गए थे, यहीं पे कहाँ, यहीं पे मारो। आप इलाज के लिए ले गए थे, कहाँ ले गए? पहले ले गए पहले ले गए संदीप यादव के में ले गए, फिर ये वो मोती झील ले गए, फिर सैपई ले गए। मैं सैपई, उन्होंने रिपोर्ट नहीं, इलाज नहीं किया है, ये मैंने दुर्घटना बताई है, तो उन्होंने जा कही कि FIR करके आओ तो लेंगे। SDM साहब आए हैं, क्या आश्वासन दिया है? क्या कुछ नहीं दिया? क्या उन्होंने कुछ भी आश्वासन नहीं दिया है? अभी कुछ नहीं दिया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम मेरी लड़कियां दो है, हमें शादी के लिए, 3 की हो गई शादी और मेरे भैया हो गए खत्म, उनको कुछ 50 लाख रुपया दिया जाए और उनकी नौकरी दी जाए लड़कियों को, और 10 बीघा खेती दी जाए, और यहाँ से मैं मकान नहीं चाहता हूँ। मेरे 4 भतीजे 1 भाई रह गए, वे कहते हैं हम सबको मार देंगे अगर तुमने कुछ कर दिया तो। मैं मकान भी नहीं देते, लड़कियाँ रहती हैं तो धमकी देते हैं हम लोगों को। भैया के इलाज में सब रिश्तेदार लगो